मुझे लगता है आपकी बार एक कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। महिलाएं सबसे अधिक संख्या में इस बार इस चुनाव मैदान में विधायक के रूप में चुनी जानी संभव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों कल यानी कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और इस बार के जो चुनाव है उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है, क्या रोल अदा कर रही है महिलाएं इस बार के चुनाव में, आइए इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार है। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कितनी महिलाएं जो हैं वो इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में एंट्री कर सकती हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, नमस्कार। मेहरा साहब, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसके बाद कितनी महिलाएं जो थी वो जीतकर विधानसभा में एंट्री की या मंत्री पद लिए, कितनी महिलाएं थी और इस बार क्या उम्मीद लगती है कि कितनी महिलाएं विधानसभा में एंट्री कर सकती हैं? देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक विषय की आज शुरुआत की है, जो हरियाणा की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आधी आबादी से संबंधित विषय है, यानी महिलाओं से संबंधित विषय है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और इसी तरह विधायिका में या जुडिशरी में या कार्यपालिका में सभी में महिलाओं की अच्छी एंट्री हो चुकी है जी। और अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2024 का विधानसभा चुनाव है तो उसमें 101 महिला उम्मीदवार हैं जी, 101 और जिसमें से 51 महिला उम्मीदवारों को विभिन्न पार्टियों ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एक बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। और टोटल जो उम्मीदवारों की हम बात करें तो 1031 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, उनमें से 101 जो 10% का अभी तो आंकड़ा मान के चलते हैं कि 10% के आसपास महिलाएं चुनाव मैदान में राजनीति में उतरी हैं। तो अभी तक जैसे हम बात करें 1967 से जब से चुनाव शुरू हुए हैं और अब तक 87 महिलाएं विधायक बन चुकी हैं जी। पिछली बार की हम बात करते हैं, पिछली बार 2019 में 9 महिलाएं चुन कर आई थी जी। और 2014 का चुनाव था उसमें 13 महिलाएं, सबसे अधिक महिलाएं विधायक बनी थी और विधानसभा में चुनाव उन्होंने जीता था। तो अब की बार हम बात करते हैं, मुझे लगता है अब की बार एक कीर्तिमान स्थापित होने वाला है, महिलाएं सबसे अधिक संख्या में इस बार इस चुनाव मैदान में विधायक के रूप में चुनी जानी संभव है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे महिलाओं की महिलाओं से एक टक्कर है और महिलाओं की महिलाओं से अगर टक्कर होगी तो निश्चित रूप से एक महिला का चुनना तय है। और उसके अलावा कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि महिलाएं बहुत भारी उनपे, दूसरे जो कैंडिडेट हैं पुरुष कैंडिडेट हैं उनपे बहुत भारी पड़ रही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 15-16 कैंडिडेट जो है ना वो महिला कैंडिडेट हैं जो वो जीत की ओर अग्रसर हैं और मुझे लगता है 15 के आसपास, 15-1-2 आगे ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी 15 महिलाएं विधायक बन सकती हैं और एक ये इस बार एक कीर्तिमान स्थापित होगा इस जी। एक बहुत मैं कहूंगा ये एक अच्छी बात है कि अगर हम अपने सोशल सिस्टम की बात करें उसमें जो महिलाएं हैं हरियाणा की महिलाएं खास करके, क्योंकि एक समय ऐसा था कि सबसे ज्यादा पीछे हरियाणा की महिलाएं रहती थी, आज देखा जाए तो हरियाणा की महिलाएं हर जगह बहुत आगे, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो खेल है चाहे आप बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या आप राजनीति की बात करते हैं कि इस बार एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है महिलाओं का वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका आंकलन आपने किया और आपको लगता है कि वहां जो महिलाएं हैं वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? यस, उन पे बात करते हैं और जैसे मैंने बताया कि विभिन्न जो मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव मैदान में, अमूमन लगभग सभी ने 10% के आसपास महिलाओं को टिकट दिए हैं। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते तो 10 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 12 महिलाओं को, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है, आजाद समाज पार्टी की तरफ से 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है, आप पार्टी की तरफ से 10 महिलाओं को टिकट दिया गया, इनके जो गठबंधन है इन्होंने जी लगभग 10% महिलाओं को टिकट दिया। तो एक हमने
धरातल पे कुछ जो लोग सोशल मीडिया के लोग से जुड़े हुए लोग हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग से जुड़े हुए लोग हैं, और जो इस तरह का आंकलन करने में एक एक्सपर्ट ही अपने आप को समझते हैं जी, और वो उनका इंटरेस्ट भी होता है, उन लोगों से हमने बात की तो एक एक आंकड़ा निकल के आया। उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि 15 या 16 महिलाएं चुनाव जीतकर विधायक बन सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जुलाना की। जुलाना में जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं विनेश फोगाट जी, विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी हैं, महिला पहलवान हैं और उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम है। तो उनके मुकाबले में कविता दलाल हैं और इनके मुकाबले में सुरेंद्र लाठर हैं, योगेश बैरागी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी तक जो रुझानों का पता चल पाया है तो इनमें जुलाना में विनेश फोगाट सबसे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विधायक के रूप में इनका चुना जाना लगभग तय है। तो एक तो फिर जुलाना की ये से जो विनेश फोगाट की हमने बात की है। तो इसके बाद अटेली, अटेली बड़ा इम्पोर्टेंट और एक हॉट विधानसभा क्षेत्र अब की बार बना हुआ है, क्योंकि राव इंद्रजीत हैं अहिरवाल के, जो अपने आप को अहिरवाल प्रतिनिधि के बड़े अच्छे वो पकड़ है उनकी, जी, 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 और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं जी। तो उनकी बेटी चुनाव मैदान में आरती राव हैं अटेली से। आरती राव के मुकाबले में कांग्रेस की हैं अनीता यादव हैं जी। अनीता यादव और आरती राव में जबरदस्त कांटे की टक्कर है, हम लोग एनालाइज कर चुके हैं पहले भी। और उसके साथ साथ जो अतरलाल हैं जो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी वो तिकोना मुकाबला बनाया हुआ उन्होंने अतरलाल ने जी। एनएलडी के साथ बीएसपी का समझौता है, वो तिकोना मुकाबला उन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें लगता आरती राव अनीता यादव में से एक तो का तो जीतना तय है, और मुझे लगता है कहीं कहीं दोनों में से एक की कोई जीत होगी तो महिला ही होगी। तो दो महिलाएं इस तरह से ये आगे बढ़ती हुई हमने दिखाई दे रही है जी। तो कलानौर की हम बात करते हैं। कलानौर में अभी जो सिटिंग एमएलए हैं तो कांग्रेस की शकुंतला खटक हैं, और उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने रेणु डावला को चुनाव मैदान में उतारा है जी। तो दोनों का आपस में कांटे की टक्कर है और दोनों महिलाएं हैं, तो दोनों में से एक का जीतना लगभग लगभग स्वाभाविक है, एक तो एक का जीतना। और उसमें से कहीं कहीं भारी पड़ रही हैं जो कलानौर की शकुंतला खटक हैं, कांग्रेस पार्टी से पहले विधायक रही है, दूसरी बार विधायक रही वो, और उनका वो कहीं कहीं उन पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट पर भारी पड़ रही है। तो इसी तरह से हम करनाल की बात करते हैं। करनाल में सुमिता सिंह कांग्रेस की कैंडिडेट है। सुमिता सिंह पहले भी विधायक रही करनाल से जी, सिख परिवार से आती हैं। और दूसरी ओर जगमोहन आनंद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आपस में दोनों का कांटे की टक्कर है, मुकाबला नेट टू नेट फाइट है उनकी जी। और उस फाइट में मुझे लगता है कोई भी निकल सकता है, लेकिन अगर जो करनाल से सुमिता सिंह जीतती हैं तो ये भी एक विधायक हो सकती हैं, हो सकती है। और ये तो देखने वाली बात है कि आप 5-8 तारीख को मतगणना के कि क्या किसकी और चुनाव के नाम लोग किसको चुनते जी, लोग किसको चुनते हैं। तो इससे करनाल से आगे हम बढ़ते हैं अम्बाला कैंट में जी। अम्बाला कैंट में भारतीय जनता पार्टी से अनिल विज हैं, अनिल विज कई बार के विधायक हैं वहां पे, और आपको आपने देखा ही अनिल विज की भारतीय जनता पार्टी में क्या अभी किस जी 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 दिग्गज नेता है, दिग्गज नेता है, गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री है जी जी। तो वहां पे चित्रा सरवारा हैं जी, आजाद उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि 25 लास्ट जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उन्होंने 44,000 मुझे लगता है वोट प्राप्त की, दूसरे नंबर पर ही थी, बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, ये जी, जी। वोटिंग का अगर हम मान के चले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पे परविंदर परी हैं जी। तो तिकोना मुकाबला है इनमें, परविंदर परी, अनिल विज और चित्रा सरवारा में। परविंदर परी अगर जीतने की स्थिति में हो सकते हैं, और चित्रा सरवारा को भी कम नहीं आंका जा सकता वहां पे जी। अनिल विज तो कई बार के विधायक हैं, मतलब निश्चित रूप से तिकोना मुकाबला, वहां पे तिकोना मुकाबला में कोई भी वहां पे बाजी मार सकता है, और चित्रा सरवारा के काफी चांस है, चांसेस हैं, काफी चांसेस।
तो पिछली बार का अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो में जो चुनाव लड़ा था अगर बहुत अच्छे वोट उन्होंने प्राप्त किए थे। अगर कांग्रेस पार्टी से इनको टिकट मिल जाती तो हो सकता था ये सीट निकाल भी लेती वहां पे। डेफिनेटली हाँ, अगर आपस दोनों का आपस कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सीधा मुकाबला होता तो निश्चित रूप से चित्रा सरवाल। हालांकि अनिल बिज जो है बहुत वहां पे कहें तो मजबूत कैंडिडेट है वहां के, पिछले मेरे ख्याल छह बार के वो विनर है, छह बार वो अब तक। लेकिन अभी ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि अनिल बिज को अब की बार पसीना बहाना पड़ रहा है पूरा घर घर जाकर और अपने जो आम जो मतदाता है उनसे। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग हर रोज डिस्कस करते हैं कि जब भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको एंटी इनकमेसी का कहीं ना कहीं तो जो है मुआवजा वो उसको खेमाजा भुगतना ही पड़ता है निश्चित रूप से। 10 साल की तो हरियाणा का एक पूरे हरियाणा में निकल के आ रहा है। दूसरी बार इस बार लोगों का जो मूड है वो बदलाव का मूड नजर आ रहा है हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं इस चीज का तो फर्क पड़ेगा। और जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट भी हैं तो उनको पसीना बहाना पड़ेगा अपनी जीत को निश्चित करने के लिए। देखिए ये जो मूड की बात आपने की, बदलाव की बात की, पूरे हरियाणा में एक लहर चली हुई है बदलाव जी, जी, जी। लेकिन ये लहर अंबाला में चित्रा सरवारा के पक्ष में चलती है या कांग्रेस के पक्ष में चलती है ये बात देखने वाली। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमें लगे कि ये बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं इसके बावजूद उनको पसीना बहाना पड़ेगा अपनी जीत को निश्चित करने के लिए। निश्चित रूप से कितना भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, कितना बड़ा नाम है, उनको इस बार चुनाव मैदान में बहुत पसीना बहाना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसकी बात करते हैं हम कालका की बात करते हैं। कालका पंचकुला जो है जिले की दूसरी सीट है, पंचकुला में दो ही सीटें हैं, एक कालका है एक पंचकुला ऊपर में है। पंचकुला से शक्ति रानी शर्मा है कालका से जी। और दूसरी ओर जो कांग्रेस के हैं वहां पे प्रदीप चौधरी सिटिंग एमएलए हैं, और जो शक्ति रानी शर्मा है वो विनोद शर्मा की पूर्व मंत्री हैं, जो विनोद शर्मा उनकी धर्मपत्नी है और उनके बेटे राज्यसभा के मेंबर हैं जी जी जी। तो शक्ति रानी शर्मा वहाँ पे चुनाव मैदान में बहुत कांटे की टक्कर उनको दे रही हैं, क्या नाम है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं प्रदीप चौधरी को जी। हालांकि उनकी जबरदस्त नेक टू नेक फाइट उनकी आपस में कह सकते हैं, लेकिन शक्ति रानी शर्मा अगर वहां से चुनाव जीतती है तो ये महिलाओं के आंकड़े में एक और इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ से कांग्रेस की जो उम्मीदवार है शैली चौधरी है, वो वर्तमान में विधायक भी हैं जी, और इनके जो सामने चुनाव मैदान में वो भारतीय जनता पार्टी के पवन सैनी हैं। पवन सैनी का हालांकि अब की बार जो क्षेत्र है ना वो शिफ्ट किया गया, पहले पवन सैनी 2014 में मुझे लगता है लाडवा से वो विधायक रहे हैं और चुने गए थे, और 2019 में वो नारायणगढ़ से चुनाव उन्होंने लड़ा था शैली चौधरी से, चुनाव हार गए थे जी। तो अब की बार उनका चुनाव क्षेत्र है ना जो शिफ्ट किया गया है, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को भेजा है वहां पे। तो नारायणगढ़ में दोनों की आमने सामने की टक्कर है, शैली चौधरी और पवन सैनी की टक्कर है। शैली चौधरी विधायक है, पवन सैनी को एंटी इनकम बेस्सी का भी वो सामना करना पड़ रहा है, और उनका क्षेत्र भी अब की बार बदला गया, उनका कहीं ना कहीं मतदाताओं से बहुत इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए वो, और यहाँ पे शैली चौधरी की जीत लहर का फायदा उसको मिल सकता है, कांग्रेस लहर का फायदा मिलेगा, वो वर्तमान विधायक हैं और उनकी जीत मानी जा रही है जी। तो अब बात करते हैं हम मुलाना की। मुलाना एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। मुलाना में पूजा चौधरी हैं जो सांसद हैं अम्बाला से, वरुण चौधरी एक राजनीतिक घराने से आती हैं ये, और उनके सामने है संतोष सारवान, ये इन्होंने पहले चुनाव लड़े हुए हैं और विधायक भी रहे संतोष सारवन दोनों। तो पूजा चौधरी हालांकि पहली बार चुनाव मैदान में, लेकिन इनके पति हैं जो वर्तमान में वो सांसद हैं और जो अपना संसदीय चुनाव था बड़े अच्छे मतों से यहाँ पे मुलाना से उन्होंने जीता था। तो इसी तरह से इस जो मुलाना विधानसभा क्षेत्र है उससे पूजा चौधरी की जीत तय मानी जा रही है। तो पूजा चौधरी अगर वहां से जीतती है, या ये बात अलग है कि संतोष सारवान जीते या पूजा चौधरी जीते, लेकिन महिलाओं की एक उसमें गिनती में एक और इजाफा विधायक बनने की में एक और इजाफा हो सकता है। निश्चित रूप से वहां पे भारी कैंडिडेट है कांग्रेस की जो पूजा चौधरी है वो।
तो अभी बात करते हैं तोसाम की जी। तोसाम में चौधरी बंसीलाल के परिवार से हैं दोनों जी, 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 दोनों जो उम्मीदवार से वो पक्की सीट रही है उस परिवार की। चौधरी बंसीलाल की पौत्री हैं, सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं श्रुति चौधरी हैं जी जी। वो तोसाम से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और किरण चौधरी की बेटी है, किरण चौधरी उनके लिए एक बड़ा किरण चौधरी का कांग्रेस में बड़ा नाम रहा है। बिल्कुल जी। और कई साल तक दशकों तक कांग्रेस में वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। वो तो शाम से उनकी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी ओर जो अनिरुद्ध चौधरी हैं, वो भी चौधरी बंसीलाल के पुत्र हैं जी। वो रणवीर महेंद्रा जो बड़े बेटे थे, चौधरी बड़े बेटे हैं चौधरी बंसीलाल के, उनके पुत्र हैं जी। अनिरुद्ध चौधरी का पहला चुनाव है और उधर श्रुति का भी विधायक के लिए पहला चुनाव है। इससे पहले सांसद रही है शायद वो। हाँ, सांसद रही भिवानी क्षेत्र से। जी जी जी। सांसद रही जी जी। तो दोनों में, दोनों भाई बहनों में जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है और उसमें वहां पे कोई तीसरा मुकाबला, मुझे लगता है तिकोना मुकाबला नहीं देखने को मिला। और दोनों में जब टक्कर है तो उसमें कोई भी जीत सकता है। अगर श्रुति चौधरी वहां से चुनाव जीतती है तो महिलाओं की गिनती में एक विधायक बनने में और इजाफा हो सकता है जी। तो अब बात करते हैं पटौदी की। पटौदी में भारतीय जनता पार्टी ने भी महिला को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने महिला को उम्मीदवार बनाया। इन दोनों में से अगर कोई भी महिला वहां चुनाव जीतती है तो वही है जो महिला विधायकों की गिनती में एक और नाम जुड़ जाएगा जी। हालांकि वहां पे जो बिमला चौधरी हैं, वो उनका चुनाव अच्छा चल रहा है। वो रविंद्रजीत उनको सपोर्ट कर रहे हैं और टिकट भी उन्होंने दिलवाया है जी। तो दूसरी ओर परल चौधरी हैं, भूपेंद्र चौधरी की बेटी हैं, उन्होंने विधायक रहे उनके पिताजी। हालांकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, बिमला चौधरी को एक बार विधायक बन चुके हैं जी जी। तो परल चौधरी को अब की बार कहीं ना कहीं जो अनुभव की कमी उनको कर ली, इसलिए चाहे दोनों में से जीते कोई, लेकिन महिला विधायक बनना तय है वहां पे पटौदी से जी। पटौदी से अब बात करते हैं बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा क्षेत्र है जी। और बल्लभगढ़ से पहले शारदा राठौर कांग्रेस की विधायक रही है जी। और अब की बार शारदा राठौर की जगह कांग्रेस ने पराग शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी ओर जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के वहां पे उम्मीदवार हैं मूलचंद शर्मा है जी। तो शारदा राठौर वहां पे दो तीन बार पहले भी दो बार विधायक रही हैं वो, और अब की बार शारदा राठौर की जगह पराग शर्मा को बनाया। पराग शर्मा एक ब्राह्मण समुदाय से आती हैं। उधर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मूलचंद शर्मा, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो पराग शर्मा भी राजनीतिक से है, परिवार से है। हाँ, योगेश शर्मा उनके फादर हैं। 1987 में जो लोकदल से, मुझे लगता है लोकदल से विधायक बने थे, और अभी उनको उन्होंने अपनी बेटी को जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस के उम्मीदवार बनी हूँ। तो तीनों में कांटे की टक्कर है, तिकोना मुकाबला है। तिकोना मुकाबले में शारदा राठौर कहीं ना कहीं वहां पे भारी पड़ रही है, जो आजाद उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ रही है जी। और शारदा राठौर को कहीं ना कहीं दो जो ब्राह्मण समुदाय के जो दोनों कैंडिडेट हैं उनका आपस में उनका जो ब्राह्मण वोट बटना कहीं ना कहीं इनको फायदा दे सकता है। उस हिसाब से कहीं की शारदा राठौर को फायदा मिल सकता है जी 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 जी। हालांकि शारदा राठौर और जो इसमें पराग शर्मा की बात करते हैं, अगर इनमें दोनों में से कोई भी अगर जीतती हैं तो महिलाओं की संख्या में एक और नाम जुड़ सकता है वहां पे। तो इस तरह से मुझे लगता है फिलहाल जो अब स्थिति जो वहां पे है, शारदा राठौर कहीं ना कहीं दोनों कैंडिडेट पर भारी है। तो अब बात करते हैं नरवाना की जी। नरवाना के बारे में हम पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं। नरवाना में जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो सतबीर दबलैन हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कृष्ण बेदी को उतारा है। कृष्ण बेदी जो 2014 में शाहबाद से चुनाव लड़ा, शाहबाद से चुनाव, और पिछली बार 2019 में 50,000 से भी लगभग के आसपास मुझे लगता है वोटों से वो हार गए थे। और अब की बार वहां पे नरवाना में शिफ्ट उनको किया गया ताकि एंटी इनकमबेंसी का सामना ना करना पड़े वहां पे। और विद्या रानी एक वो INLD और BSP से, विद्या रानी दरौंदा गांव से, दरौंदा बहुत बड़ा गांव है और जी जी जी, और बिनान खाप का गांव जी। आप और पहले भी बिनान खाप के लोगों ने उनको समर्थन किया हुआ है।
मुझे लगता है दोनों विद्या रानी वहां पर मजबूत तिकोना मुकाबले दावेदार सब बीमारी हैं जी। और हो सकता है ये ताजुब की बात नहीं होगी कि विद्या रानी चुनाव जीत सकती हैं। तो अब बात करते हैं सढ़ोरा की। सढ़ोरा में जो वर्तमान में विधायक है रेणुबाला है और कांग्रेस ने फिर रेणुबाला को टिकट वहां सढ़ोरा से दिया है। दूसरी ओर बलवंत सिंह है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। दोनों में डायरेक्ट सीधा मुकाबला दोनों में बाइपोलर इलेक्शन वहां कह सकते हैं दो। तो उस चुनाव में अगर रेणुबाला जो पीछे विधायक हैं वो काफी जो चर्चित भी रही हैं काम के उसमें क्षेत्र में अपने और बलवंत सिंह को कहीं इनके जो भारतीय जनता पार्टी है एंटी इनकमेंसी का भी सामना करना पड़ा इसलिए रेणुबाला वहां का वहां बहुत भारी कैंडिडेट है और वो जीतने की स्थिति में है। इस प्रकार से अगर रेणुबाला भी अगर जीतते हैं तो फिर निश्चित रूप से एक और इजाफा उस आंकड़े में एक का और एक महिला का और इजाफा हो सकता है। जी जी जी। तो बात करते हैं झज्जर की। झज्जर जिले की जो प्रॉपर झज्जर है सीट है वो एक आरक्षित सीट है और गीता बुक्कल कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है वहां से चुनाव लड़ रही है। गीता बुक्कल दो बार वहां से विधायक रह चुकी है और दो बार विधायक के साथ साथ मंत्री भी एक पावरफुल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके काम की बदौलत या उनकी एक छवि की बदौलत या भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव का वो क्षेत्र है उसकी वजह उसकी बदौलत गीता बुक्कल कहीं ना कहीं भारी उम्मीदवार वहां पे कांग्रेस की है। उनके उनके जो कप्तान बिरधाना भारतीय जनता पार्टी के उनके जो सामने उनकी टक्कर है कप्तान बिरधाना भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार अब की बार बनाया है जी। तो दोनों के आपस में सीधे डायरेक्ट फाइट है। तो डायरेक्ट फाइट में मुझे लगता है वहां पे गीता बुक्कल बहुत भारी कैंडिडेट है और वो जीत की स्थिति में है जी। तो बात करते हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र की। हिसार बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही हॉट सीट एक जी है। हिसार विधानसभा क्षेत्र से रामनिवास राणा है कांग्रेस के और दूसरी ओर डॉक्टर कमल गुप्ता हैं जो वर्तमान विधायक भी हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जो तीसरे कैंडिडेट वहां पे जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो सावित्री जिंदल हैं। सावित्री जिंदल एक जाना माना नाम है बिल्कुल देश की सबसे अमीर महिला है जी बिल्कुल जिंदल परिवार से आती हैं। पूरी स्थिति पे अगर हम नजर दौड़ा के हमने देखा है एक आंकलन किया है नीचे जो हिसार के पत्रकार हैं हिसार के और जो आम आदमी लोग हैं तो उनसे भी बात की है कहीं कहीं वहां पे सावित्री जिंदल दोनों कैंडिडेट पर भारी पड़ रही है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि अगर सब निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों से सबसे पहले अगर जीतेंगे तो वो सावित्री जिंदल का नाम सबसे जी, पहले बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अगर सावित्री जिंदल वहां से जीतती हैं तो एक और महिलाओं की गिनती में एक और विधायकों की गिनती में एक और नाम जुड़ सकता है जी। और उसके बाद है नांगल चौधरी की बात करते हैं। नांगल चौधरी पहले भी हम डिस्कस किए मंजू से है जी। मंजू भी राजनीतिक परिवार से है और मंजू के सामने जो है अभय सिंह यादव हैं जो दो बार विधायक वहां पे रहे हैं। एक जातीय समीकरण की अगर बात करें तो मंजू वहां पे अभय सिंह यादव पे भारी उम्मीदवार हैं चुनाव जीतने की स्थिति में है। और निश्चित रूप से अगर मंजू चुनाव जीतती हैं तो एक और फिर आंकड़ा आप मान सकते हैं बढ़ सकता है बढ़ सकता है। अब बात करते हैं हम रतिया क्षेत्र की। रतिया में सुनीता दुग्गल हैं जो पूर्व सांसद हैं जी। वो सिरसा से सांसद रही हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। रतिया आरक्षित सीट है और उनके मुकाबले में जरनैल सिंह है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जी जी। जरनैल सिंह सिख समुदाय से आते हैं तो जरनैल सिंह को सिख होने का कहीं ना कहीं फायदा वहां पर मिल सकता है जी। और दोनों की जबरदस्त कांटे की टक्कर है जितना ना जितना वो बात उस बारे में हम क्या भी और दोनों टक्कर में सुनीता दुग्गल के इलेक्शन में कह नहीं सकते जी जी जी। तो कहीं ना कहीं दोनों टक्कर में कुछ इसमें से हमने कुछ जो महिलाएं दूसरे उम्मीदवार को टक्कर दे रही उनकी बात की है और जो निश्चित रूप से जीत सकते हैं कुछ उनकी बात की है। ऐसे 16-17 जो विधायक विधानसभा क्षेत्र है उन पे हमने बात की तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 14 या 15 महिलाएं अब की बार जो 15वीं विधानसभा है हरियाणा की उसमें उनकी उपस्थिति दर्ज हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर देखूंगा तो एक बहुत बेहतर बात है कि एक बड़ा आंकड़ा जो है इस समय
समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आ रहा है महिलाओं में से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये इस समाज को बदलने के लिए ये चीजें जरूरी भी है। पिछले दिनों 2023 में सरकार ने एक महिला सशक्तिकरण बिल जो बनाया था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल, वो पास किया था। तो इन सब चीजों को जिसमें 33% के आसपास विधानसभा में 33% की रिजर्वेशन आरक्षण की बात की थी विधानसभा में और लोकसभा में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो सही मायने में इस समय धरातल पे आता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है उस पे? देखिए, पिछले 2023 सितंबर में जो एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पास किया गया है, लोकसभा में पास किया गया, उसमें महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की बात की गई है। और उससे पहले मुझे नहीं लगता अभी तक कोई उस पर कोई प्रैक्टिस जो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने की है, क्योंकि अभी तक आज जो हमने बात की है एक 10-11% का आंकड़ा हमारे सामने आया कि 10-11% महिलाओं को टिकट दी गई है। लेकिन इस जो विधेयक जो अधिनियम जो पास हुआ है, ये अधिनियम 2029 के बाद लागू होगा। उससे पहले एक परिसीमन का दौर आएगा, परिसीमन होगा, राज जो क्षेत्रों की जो बढ़ाए जाएंगे, विधानसभा के क्षेत्र और लोकसभा के क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे वो 2026 के बाद। उस पर मुझे लगता है 2026 में काम पूरा कर लिया जाएगा जी। और 2026 के परिसीमन के बाद फिर एक महिलाओं का जो आरक्षण है 33% आरक्षण है उसको वो एक चिन्हित करने की बात होगी। और 2029 के बाद ये जो जो ये विधेयक है, नारी शक्ति बंधन विधेयक है, ये लागू होगा, प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा और निश्चित रूप से महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं आप मेरे साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति जो है वो देश के उत्थान के लिए उसका आगे आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं देखिए, इन दिनों नवरात्रा चल रहे हैं, नवरात्रा में हम दुर्गा की जो पूजा करते हैं, दुर्गा शक्ति की पूजा करते हैं, नारी शक्ति की पूजा करते हैं, तो नारी अगर इस तरह से देश के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे, अगर उसमें आगे आएगी तो कहीं ना कहीं देश के उत्थान के लिए अच्छा ही रहेगा। खैर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।